दोस्तों, अरब के शहर मदीना में मौजूद इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र को किसने नहीं देखा है। असल में ना सही, लेकिन फोटो या वीडियो में तो हर इंसान ने जरूर देखा होगा। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस कब्र से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे कि जिसे सुनकर आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे। हम आपको आज की इस वीडियो में दो ऐसे खतरनाक जासूसों के बारे में बताएंगे कि जिन्होंने एक बार प्रॉफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र से उनके जसद अतहर यानी बॉडी को निकालने की कोशिश की थी। न सिर्फ कोशिश की बल्कि सुरंग के जरिए से एक ऐसा रास्ता भी तैयार कर लिया था जो जमीन के अंदर ही अंदर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र तक पहुंचता था और इसके जरिए से वो अंदर ही अंदर कब्र तक पहुंचना चाहते थे। दोस्तों, ये कहानी है 12वीं सदी की कि जब आज के दौर के सीरिया देश के पूरे इलाके पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की हुकूमत हुआ करती थी। आप में से जो लोग भी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को नहीं जानते हैं तो उन्हें हम बताते चलें कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उस इंसान का नाम था कि जिसे मुस्लिम इतिहास में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बाद सलीबी जंगों का दूसरा सबसे बड़ा हीरो माना जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि सलीबी जंगें उन जंगों को कहा जाता है कि जो मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों के बीच यरूशलेम शहर को हासिल करने के लिए लड़ी गई थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का ये ख्वाब था कि वो यरूशलेम शहर को फतह करें और अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे, लेकिन उनका ये ख्वाब पूरा ना हो सका। हालांकि दोस्तों, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की पूरी जिंदगी भर की गई मेहनतों का ही नतीजा था कि 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी इस शहर को फतह करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीजों के अलावा जिस वजह से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को इतिहास में सबसे ज्यादा याद किया जाता है, वो वही घटना है कि जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हुआ ये कि एक बार जब रात में तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने बिस्तर पर सोए तो उन्हें फौरन ख्वाब नजर आया। उन्हें अपने ख्वाब में प्रॉफेट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ साथ दो लोग और नजर आए और वो दोनों ही लोग बूढ़े होने के साथ साथ बदसूरत भी थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अभी उन दोनों बूढ़ों को देख ही रहे थे कि प्रॉफेट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुल्तान, इन दोनों के शर से हमारी हिफाजत करो, यानी इन दोनों की बुराई से हमारी हिफाजत करो। ये सुनते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एकदम से चौंक कर उठ गए और घबरा कर फौरन वजू किया और दो रकात नफिल नमाज अदा करने के बाद एक बार फिर से सो गए। लेकिन एक बार फिर से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने वही ख्वाब देखा जो उन्हें पहली नींद में नजर आया था, यानी उनके ख्वाब में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ साथ दो लोग और नजर आए और इस बार भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वही कहा जो पहली बार कहा था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक बार फिर से चौंक कर उठे और उन्होंने एक बार फिर से वजू किया। वजू करने के बाद दो रकात नफिल नमाज अदा की और तीसरी बार फिर से सो गए। लेकिन तीसरी बार भी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को बिल्कुल वही ख्वाब दिखाई दिया जो उन्हें पहले दो बार दिखाई दे चुका था। तीसरी बार जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपनी नींद से जागे तो घबरा उठे और ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर माजरा क्या है। काफी सोच विचार करने के बाद जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने अपने सबसे खास आदमी यानी जमालुद्दीन को बुलवाया और जमालुद्दीन से अपने इस ख्वाब को शेयर किया और उन्हें साफ साफ बताया कि आखिर मैंने अभी तीन बार ख्वाब में क्या देखा है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के ख्वाब को सुनने के बाद जमालुद्दीन ने सुल्तान को ये मशवरा दिया कि मुझे लगता है मदीना शहर में कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपने इस ख्वाब को खुफिया रखें और जितना जल्दी हो सके मदीना शहर की तरफ रवाना हो जाएं। लिहाजा सुल्तान ने जमालुद्दीन के इस मशवरे को बहुत सीरियस लिया और सुबह का सूरज निकलने से पहले ही जमालुद्दीन के साथ 20 और लोगों को लेकर घोड़ों पर सवार होकर मदीने की तरफ निकल गए। दोस्तों, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को मदीना पहुँचने की कितनी जल्दी थी
इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने वो सफ़र जो 23 से 25 दिन में पूरा किया जाता था सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में पूरा कर दिया था, और मदीना पहुंचकर वो सबसे पहले मदीना के हाकिम से मिले, यानी उस इंसान से मिले कि जो मदीना के पूरे निज़ाम को संभाला करता था। मदीना के हाकिम ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को ये यकीन दिलाया कि अगर वो दोनों बूढ़े इंसान इस शहर में होंगे तो हम उन्हें बहुत जल्द ही पकड़ सकेंगे, और साथ ही साथ सुल्तान को ये मशवरा भी दिया कि अगर आप उन्हें पकड़ना चाहते हैं तो मदीना के सभी लोगों के लिए आपको एक दावत का इंतजाम करना चाहिए। लिहाजा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने हाकिम मदीना के मशवरे पर मदीना के सभी लोगों के लिए एक बड़ी दावत का इंतजाम किया, जिसमें मदीना में रहने वाले हर एक आदमी को बुलाया गया। दावत के बाद सुल्तान ने दावत में आने वाले हर इंसान को अपनी तरफ से एक एक करके तोहफा देना शुरू किया, और इसी बहाने से उन दो शक्लों को पहचानने की कोशिश की कि जो उन्हें ख्वाब में नजर आई थीं। दावत में आने वाले सभी लोग अपना अपना तोहफा लेकर अपने घरों पर वापस चले गए, लेकिन सुल्तान को वो दोनों सूरतें नजर नहीं आईं जिसको वो बड़ी शिद्दत से तलाश कर रहे थे। सभी लोगों के वापस चले जाने के बाद सुल्तान ने मदीना के हाकिम से पूछा कि क्या अभी भी मदीना में कोई ऐसा इंसान रह गया है जो मेरी इस दावत में नहीं आया था। इस पर मदीना के हाकिम ने जवाब दिया कि हाँ, दो ऐसे फकीर जरूर हैं कि जो अभी भी आपकी दावत में नहीं आए थे, लेकिन वो दोनों फकीर तो हद से ज्यादा नेक और परहेजगार हैं। वो हमेशा अल्लाह ताला की इबादत में ही बिजी रहते हैं, उनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, और न ही वो किसी की दी हुई कोई चीज कबूल करते हैं, और शायद यही वजह है कि वो आपकी दावत में भी नहीं आए थे। ये सुनकर सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया कि उन दोनों फकीरों को भी मेरे सामने हाजिर किया जाए। लिहाजा सुल्तान के हुक्म पर उन दोनों फकीरों को भी फौरन सुल्तान के सामने पेश कर दिया गया, लेकिन जैसे ही सुल्तान की नज़र उन दोनों पर पड़ी सुल्तान के होश उड़ गए, क्योंकि ये दोनों तो वही इंसान थे कि जिन्हें सुल्तान ने अपने ख्वाब में देखा था। सुल्तान ने उन दोनों से पूछा कि आखिर तुम कौन लोग हो और इस शहर में कहाँ से आए हो। इस पर उन दोनों ने जवाब दिया कि हम मराकेश के इलाके के रहने वाले हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर हज करने के लिए आए थे तो हम सुकून महसूस होने पर यहीं पर रहने लगे थे, और तब से लेकर आज तक लगातार हम इसी शहर में ही रह रहे हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन दोनों से सख्ती से पूछा कि सच सच बताओ, आखिर तुम कौन लोग हो, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने कुछ नहीं कबूला, जिसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उन दोनों के साथ उनके कमरे में पहुंचे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को उनके कमरे में कुरान के कुछ नुस्खे और अच्छी किताबों के अलावा कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर अचानक से सुल्तान की नज़र उस चटाई पर पड़ी कि जो उनके कमरे में जमीन पर बिछी हुई थी। सुल्तान ने जब उस चटाई को हटाया तो उसके नीचे एक लंबी सुरंग मौजूद थी, जिसे देखकर मदीने में रहने वाले सभी लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि दोस्तों ये कोई आम सुरंग नहीं बल्कि एक ऐसी सुरंग थी कि जो सीधे पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र तक पहुंचती थी, यानी इसके जरिए से उन्होंने एक ऐसा रास्ता बना लिया था कि जो सीधा उनके कमरे से प्रॉफेट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र तक पहुँचता था। सुरंग का राज खुल जाने के बाद अब तो लगभग सारा ही मामला क्लियर हो चुका था, जिसकी वजह से उन दोनों बूढ़ों को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन दोनों से बड़ी सख्ती के साथ पूछा कि क्या अब भी तुम लोग सच नहीं बताओगे। इसके बाद उन लोगों ने बताया कि हम कोई मुसलमान नहीं बल्कि एक जासूस हैं, और हमें हमारे सुल्तान ने मदीने में इसलिए भेजा था ताकि हम यहाँ से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जसद अथहर यानी बॉडी को चुरा कर ले जाएं। उन दोनों ने सुल्तान को बताया कि वो इस मकसद के लिए पूरी रात बड़ी मेहनत के साथ सुरंग खोदा करते थे, और सुबह में उसमें निकलने वाली मिट्टी को चमड़ों की थैलियों में भरकर मदीना के जन्नतुल बकी नाम के कब्रिस्तान में फेंक आया करते थे। ये सुनते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी गुस्से से लाल हो गए, और उन्होंने फौरन उन दोनों का सर कलम करने का ऑर्डर जारी कर दिया। उसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने प्रॉफेट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कब्र के चारों तरफ एक गहरी खंदक खुदवा दी, और उस पूरी खंदक में सीसा पिघलाकर डाल दिया गया।
ताकि दोबारा से कोई भी इंसान इस तरह का इरादा ना कर सके। बाद में मिस्र के बादशाह रुकनुद्दीन ने इसी खंदक के ऊपर एक जाली के जरिए से कब्र भी बनवा दिया था ताकि कब्र पर आने वाले लोगों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आज भी प्रोफेट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खास कब्र तक जाने की किसी भी इंसान को इजाजत नहीं दी जाती है। हालांकि दोस्तों अगर बात की जाए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बारे में तो इन्हें हसन बिन सबा की उसी खुफिया फौज ने शहीद किया था कि जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।